गाइस आज का चैलेंज होने वाला है इस मौत के रेगिस्तान के अंदर। हर बार का जो चैलेंज होता है उसके अंदर टीम होती है, मेरे साथ कुछ लोग होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूँ। मुझे दिन भी यही गुजारना है, रात भी यही, और अगला दिन भी यही पर गुजारना। तो चलो चलते हैं फिर। कैमरा तो यहीं पे भूल गया, कैमरा भी तो लेके चलना पड़ेगा, आ जाओ। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार यहाँ पे जो है कैमरामैन भी मैं खुद ही हूँ, एक्टर भी मैं खुद ही हूँ, और चैलेंज भी मुझे अकेले को ही पूरा करना है। गाइस देख लो पूरा बस यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है और कुछ भी नहीं है। और मैं सबसे पहले एक अच्छी सी जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं टेंट लगा सकूँ, इन सारी चीजों को रख सकूँ। दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, ओह, अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते ही थक गया। आज पता पड़ रहा है कि भैया कैमरामैन का ना होना कितना ज़्यादा दुखदाई होता है। पहले खुद जाके कैमरा सेट करो, फिर दूर से चल के आओ ताकि आपको दिखा सके। वो तेरी वो बेस्कटन गाइस, ओ यहाँ पे अलग अलग तरीके कीड़े हैं यार। जब मैं आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर जो है मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें भी होंगी, लेकिन ये देखो गाइस, ये देखो रेगिस्तान के अंदर कीड़ा। मुझे जो है ये जगह अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानवरों का ये जो अरे भग जाए यहाँ से बहुत सारे गाइस यहाँ पे, तो इनका खतरा कम होगा, इसीलिए यहाँ पे कैंट हुआ मतलब टेंट लगाते हैं और यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, वो हमारा टेंट उड़ के जा रहा है वहां पर। वो देखो वो जा रहा है। पकड़ो, अबे रुक जा, अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है, अबे रुक जा भाई, रुक जा रे, रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा कमीने। गाइस यार अब पता पड़ रहा है अकेला इंसान कितना ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। यहाँ पे इसको छोड़ते ही देखना, वो जा रहा है टेंट। तो मुझे कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे हवा ना चले और वहां पे मैं टेंट लगा सकूँ। वो देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पकड़ो। एक तो कैमरा साथ में लगते सामान, ओ मैं रुक जा, टेंट नहीं है ये, पैराशूट है। साला मुझसे तो भी ये टेंट नहीं लग रहा, पता नहीं 24 घंटे कैसे यहाँ पे सरवाइव करूँगा। अभी टेंट को छोड़ दिया ना भाग जाएगा। टेंट के ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ जिससे कि टेंट जो है हवा से बार बार ना उड़े। पबजी पेन, पबजी पेन। फाइनली बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद मैंने टेंट लगा दिया है। जूतों के अंदर मिट्टी आ गई बहुत सारी, देखना। देर सो जाता हूँ गाइस। गाइस यार टेंट के अंदर आने के बाद भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ यार। दिन तो शुरू हो गया, रात पता नहीं कैसे निकालूंगा।
क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ, किससे तो मजाक करूँ, किससे क्या करूँ। सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं परेशान हूँ, मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सो जाते हैं और उसके बाद में उठ के बाकी चीज़ें करेंगे जो भी है। दिन में हूँ फिर भी। गुड नाइट गाइज। 2000 years later. Guys, दिन का टाइम तो जैसे तैसे करके मैंने नींद वगैरह निकाल के निकाल लिया, लेकिन अभी कुछ ही देर के अंदर हो जाएगी यहाँ पर रात, और रात को पड़ेगी यहाँ पर खतरनाक वाली ठंड। जहां तक आप नजर डालोगे वहां तक आपको बस दिखेगा सुनसान मौत का रेगिस्तान। ये जो पैरों के निशान है यहाँ पे, मे बी ऊंट वगैरह काफी ज्यादा है इस रेगिस्तान के अंदर। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहे लेकिन काफी ज्यादा होते हैं, तो ये उनके निशान है। और कभी कभार मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊंट गाड़ियाँ चलती है, उनके कहीं कहीं पर निशान बने हुए हैं। बाकी आप देखो गाइस, चारों तरफ बस यही है और सिर्फ मैं अकेला यहाँ पर इंसान हूँ। जानवर तो मुझे यहाँ तक दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेटल स्नेक हो सकते हैं या फिर कोई बिच्छू वगैरह वो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई चोर इंसान विंसान हुआ ना तो भैया सही बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी को कोई मार के पटक भी देना, कोई नहीं आएगा ढूंढने। यार देखो ना कौन आएगा, क्या लेने आएगा इस रेगिस्तान के अंदर। ये घोर सन्नाटा किसी को भी डरा सकता है। जरा एक बारी देखो यार, गाइस ज्यादा आगे जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये भूल गया कि भैया मैं किस जगह पे मैंने टेंट लगाए हैं, किस जगह पे मैं खुद रुका हुआ हूं, तो ऐसी की तैसी हो जानी है। मेरी जो टीम है वो भी मुझे अगले दिन एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मिलने वाली है जहां पर वो मुझे फेंक के गए हैं। और सबसे बुरी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं है जिनसे कि मैं उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकूँ और बुला सकूँ। कौन कहता है यार कि कुदरत के अंदर कारीगर नहीं है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कारीगर हैं जिन्होंने रेत के ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस बना रखी है। ये देखो गाइस, इस पूरे पहाड़ पे यानी कि इस टीले पे इस तरीके की डिज़ाइंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि सही में बेहद ही खूबसूरत है। और ये देखो नन्ना कारीगर। तो गाइस यार, इस मौत के रेगिस्तान के अंदर सरवाइव करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पीने के लिए पानी है, एक लाइट और 3 पैकेट मेरे पास मैगी के हैं, मेरे पास एक तौलिया भी है, और साथ ही साथ गाइस यार मेरे पास है यहाँ पर ये कमाल का ड्रोन। उसकी मदद से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ।
गाइस यार ये देखो इस पेड़ को, पूरा ही इस मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उसके बावजूद भी ये जिंदा है। और साथ ही साथ गाइस एक बात बताओ यार, रेगिस्तान के अंदर हूं मैं, ये किसका पेड़ होता है यार? देखो सनसेट हो ही गया, मैं घूमते घूमते ये देखो गाइस, वो देखो, वाओ गाइस देखो अभी यहां पर सनसेट हो रहा है। और बस यहां पे इस सनसेट को एंजॉय करने के लिए मैं अकेला ही हूं। कितना प्यारा व्यू अभी सनसेट का आ रहा है देखो। असली जो वाट है ना वो सनसेट के बाद ही लगने वाली है। यार ऊपर वाले से दुआ करना कि कोई जंगली जानवर वानवर नहीं आ जाए, अगर वो आ गया ना तो पता पड़ेगा कि मिस्टर इंडियन हैकर का वहीं पे सीख कबाब बन चुका है और मार के पटक दिया गया है, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। गाइस यकीन मानो टीम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। शुरुआत के अंदर मैंने सोचा था इस चैलेंज के अंदर कि भैया वहाँ पे नेटवर्क वगैरह आएंगे तो अगर कोई दिक्कत होगी तो अपन टीम को वापस बुला लेंगे, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता पड़ा कि भैया यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। गाइस यहाँ पर जगह जगह पर यार मतलब कि देखो सांप के रेंगने के निशान है, और जो रेटल स्नेक होते हैं वो मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से छुपे हुए होते हैं कि आपको पता भी नहीं पड़ता है। गाइस यार इस डेजर्ट के अंदर ये कीड़े सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये पता नहीं तीनों आपस में मिलके क्या मस्ती कर रहे हैं। देखो देखो इन्हें, मतलब तीनों एक दूसरे में घुसे ही जा रहे हैं, पता नहीं इनको करना क्या है मुझे नहीं पता। अभी इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये देखो बैठ जा। अबे ये तो जो चिपक गए बीच में से गाइस, ये देखो बीच में से चिपक गए हैं ये दोनों कीड़े, ये क्या कर रहे हैं ये ये इसको खींच के ले जा रहा है और ये भाग गया, और ये इसको खींच के ले जा रहा है, मतलब टॉर्च एंड टेस्ट हो रहा है गाइस यहाँ पे। देखो टॉर्च एंड टेस्ट चल रहा है यहाँ पे दोनों गाड़ियों का, पता नहीं कौन जीतेगी ये देखो ये वाला पावरफुल है, ये इसे खींच के ले जा रहा है। यहाँ पे तो ये खालड़ी है गाइस ऊंट की, ओ भैंस की टांग। गाइस यार यहाँ पर ऊंट को मार के उसकी खालड़ी को जो है कुछ इस तरीके से लटकाया गया, देखो। तो गाइस तो फटाफट से अपना जो कैंप है उसे वापस ढूंढते हैं और अपने कैंप के पास चलते हैं, क्योंकि बिना सामान के मैं रात तो क्या अभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हमारी भाषा में इसे खरेने बोले जाता है, खराना। ये काफी जल्दी आग पकड़ लेते हैं गाइस, बहुत ज्यादा जल्दी। वो गाइस वो बेस्ट आउट, गाइस मेरा टेंट ना जल जाए बस इससे। मैं जल्दी जल्दी बड़े कांटे भी इसके अंदर जला देता हूँ ताकि मेरी आग ना बुझे और मुझे दोबारा से ये जो खराने हैं ये लाने जाना ना पड़े, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। ओ भाई, जल्दी जल्दी अभी कांटे तोड़ के इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि आग दोबारा से ना बुझे। बुझ गए गाइस, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा, अभी मुझे भूख लग रही बहुत खतरनाक, तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अब मैगी बनाता हूँ, लेकिन बनाऊंगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैगी बनाने के लिए बर्तन तो है मेरे पास लेकिन वो नहीं है चूल्हा बनाने के लिए कुछ भी। पतीले के अंदर काफ़ी मिट्टी है इसीलिए मैं इसे तौलिए से ही साफ़ कर लेता हूँ, पानी यहाँ पे खर्च करना बेवकूफ़ी है, तो इस पतीले के अंदर अभी बनाते हैं मैगी। तो इसे यहाँ पे लगा देते हैं और फिर मैगी बनाते हैं। दो मैगी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं तीन पैकेट है मेरे पास, दो को अभी बना लेते हैं, एक को अगर रात को ज़्यादा भूख लगी तब काम में ले लेंगे। मसाला डाल देते हैं, कितना ही कोशिश कर लो मिट्टी तो चीज़ों के अंदर पाद आ रहा है, हमें पेट खराब हो गया क्योंकि सुबह से, छोड़ो यार। तो पानी डालते हैं इसके अंदर, अब यार चूल्हा तो है नहीं मेरे पास में बनाने के लिए इसे, तो एक काम करते हैं ये जो पतीला है फ्राइंग पैन इसे सीधा ही इसके अंदर रख देते हैं। पुराने लोग पता नहीं यार कैसे अपनी जो लाइफ है वो ऐसे बिहड़ों के अंदर गुजारते होंगे, मैं तो बस इतने देर रुका हूँ जितने में मेरी हवा टाइट हो गई है। अगर हमारा काम ये ना हो ना तो मेरे को अगर कोई कितने भी पैसे दे मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं नहीं रुक सकता यार, मैं भी डरपोक इंसान हूँ सही बता रहा हूँ मैं, ये तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ इसीलिए
बनानी होती है, इसीलिए हम चैलेंजेस ले लेते हैं इस टाइप के, वरना। तो गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो मैगी है वो हल्की हल्की सी पकना स्टार्ट तो हो गई है। ये देखो गाइस, जब तक हमारी मैगी बनती है मैं आपको आसपास का माहौल दिखाना चाहूँगा। गाइस देखो भाई साहब मेरी घूट फट रही है, लेकिन फिर भी यार चांद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बस एक वही चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे नहीं डरा रही है उसका सारा, कि चलो कोई तो अपने साथ है, वरना चांदनी के अंदर डर लगता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चलो चांद मामा अपने साथ है। बाकी इधर देखो गाइस, चांदनी से हटके इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डेजर्ट है और मैं एक अकेली नन्ही सी जान। मजाक करने के मूड में नहीं हूं मैं, लेकिन क्या करूं। एक और अच्छी चीज जो कि यहाँ पे मेरे साथ हुई है, ये गाइस ये चीज अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, क्योंकि पतीला बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसी की मदद से ओ अपनी मैगी। गाइस मैगी तो बनने वाली है, लेकिन यार ये जो जानवर है ना, कीड़े, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। बार बार कीड़े पता नहीं ज़मीन के अंदर से कहाँ से निकल रहे हो, निकल के बार बार आगे आ रहे, क्या पता इनको भी मैगी खानी है मेरे हिसाब से। नकली हंसी गाइस, नकली हंसी, इसे कहते हैं नकली हंसी। गाइस हमारी मैगी बन चुकी है, तो चलो इसे उतारते हैं और उतार के खाते हैं। ओह मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि वो गर्म हो रहा है तो हैंडल भी गर्म होगा। ओ मैगी खा लो गाइस। मुझे पता है कि 12-1 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आने वाली है, जागते रहना पड़ेगा, और यहाँ पर आग भी बुझ चुकी है, अगर रात को ठंड लगी ना तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला। कांटे लेके आते हैं। तो गाइस यार मैं कांटे लेके आता हूँ उधर से, आप यहीं पे बने रहना, क्योंकि आप लोग ही हो मेरे साथ में, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है, और कांटे लेना बहुत ज़रूरी है वरना ठंड से मैं मर जाऊँगा। इस रेत के अंदर चलते टाइम मुझे बस एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि अगर कोई रेटल स्नेक हुआ ना रेत के अंदर छुपा हुआ, अगर उसने काट लिया ना भैया फिर खेल ख़त्म है। सबसे मेन रिस्क बस उसी चीज़ की है। इतने से कांटों से कुछ नहीं होगा, मुझे और चाहिए। गाइस अब फटाफट से कैंप की तरफ चलते हैं यार, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लिटरली मैं अब डर लग रहा है। एक बात बताऊं आपको, आई लव यू सो मच यार, जो भी भाई को दिल से चाहता है ना उन सभी को लव यू सो मच। बुरे वक्त में सभी की याद आती है, घर वालों की, सभी की, मेरे दोस्तों जो मेरे टीम है उनको भी यार आई लव यू सो मच, मेरे घर वालों को भी आई लव यू सो मच, मेरे जितने भी दोस्त जो मुझसे प्यार करते हैं या फिर जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सभी को दिल से आई लव यू सो मच। दिन तो जैसे जैसे मैंने निकाल लिया, लेकिन जो रात है ना गाइस, रात बिल्कुल भी जो रात है वो बिल्कुल भी नहीं कट रही है यार, एक एक मिनट गुजारना इतना ज्यादा भारी हो गया मेरे लिए। ऐसा मन कर रहा है बस इस चैलेंज को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो नहीं डालेंगे, और तो क्या है, इससे ज़्यादा तो और क्या ही हो सकता है भाई, नहीं डलेगी वीडियो, नहीं है, अपन आए गए
और एक और बात बता दूं, ये थार का रेगिस्तान है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। आगे पाकिस्तान बॉर्डर ही मिलेगी अगर अपन चलना शुरू करते हैं ना, यहाँ अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ चलना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर ही मिलेगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा रास्ते के अंदर। और मैं इस जगह के बारे में बिल्कुल अनजान हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार, इतने भी ज़्यादा कंजूस मत बनो कि यार वीडियो को लाइक भी ना कर सको, कम से कम वीडियो को तो लाइक कर ही देना प्लीज़। और थोड़ी और दया दिखाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये सारा आप पे डिपेंड करता है गाइस, हम कौन सी वीडियो बनाए किस टॉपिक पे बनाए ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते आप लोगों के, अरे बिल्कुल पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं भैया 24 आवर चैलेंज करो। टीम के साथ करने में तो मजा आता ही है, लेकिन असली बात तो अकेले करने में। गाइज यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी। मैं सिर्फ एक कंबल लेके आया हूँ, मेरे नाक बंद हो चुके हैं, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही गाइज। ये चैलेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डर लग रहा है यार, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये देखो गाइस यार, मुझे नींद नहीं आ रही यार, सही बता रहा हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वो जो चांद वहां पे था ना उधर, अभी वो चांद इधर पहुंच गया, लेकिन मैं नहीं सो पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा हूँ गाइस। मैं सही बता यहाँ पे देखो और सुनो यार, कुछ भी नहीं है, घोर सन्नाटा है। चाहे मैं किधर भी चला जाऊं, किधर भी जाऊं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस। मैं बस सुबह हो जाए और मैं वापस अपने घर जा सकूँ, बस मुझे नहीं करना ये चैलेंज यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना अभी चैलेंज। 3 बजने वाले हैं सुबह के, सही बता रहा हूँ, मैं 3 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस यार फाइनली सुबह हो गई है। वो रात एक काली रात थी, बहुत बुरी रात थी, जिंदगी भर मुझे ये रात याद रहने वाली है। और गाइस यार मजा आ गया यार कि मैं जिंदा हूँ और सुबह हो गई। गाइस यार पूरी रात अकेले मैंने कैसे गुजारी है इस जगह के अंदर गाइस। हाँ, और साथ ही साथ रात भर मुझे बहुत जोर से टट्टी लग रही थी, लेकिन मैंने उसे भी रोक के रखा क्योंकि रात के अंदर मेरी फट रही थी, कहीं पे भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी फाइनली मैं
टट्टी करने जा सकता हूँ गाइस, मैं टट्टी करके आता हूँ यार कोई अच्छी सी जगह देख के। 2000 years later. अभी जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। तो गाइस यार अब मैं इस जगह पे तो ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ, तो चलो पैकिंग करते हैं। फाइनली गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है आ जाओ। गाइस मेरे पास जो ड्रोन है ना उसकी एक खास बात यह है कि उसे मैं बिना गॉगल पहने सिर्फ इस स्टिक की मदद से भी चला सकता हूँ। गाइस ये देखो ये स्टिक है इसकी, और उस ड्रोन को इस स्टिक की मदद से मैं जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल करके चला सकता हूँ। घुसी हुई है कि सीधा पानी पिया भी नहीं जा रहा, मुंह के अंदर छाले हो गए जगह जगह पे। आ गया तो चलते चलते यूं ही जाता हूं मैं, यही 24 आवर चैलेंज है। तो गाइस यार बस 2 घंटे और उसके बाद में बस 1 घंटा और उसके बाद में फाइनली चक्कर आ गए। उसके बाद में फाइनली मैं गाइस अभी जो है फाइनली जो चैलेंज है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं चलते चलते परेशान हो गया हूँ, कल के टाइम में जिस टाइम पे मैंने चैलेंज को शुरू किया था अभी लगभग वो टाइम हो चुका है। गाइस यार यहाँ पर खुदाई करके देखते हैं कि इसके अंदर से पानी निकलता है या फिर नहीं। पानी तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं लगता ही होगा, लेकिन खोद के देखते हैं कि कितने अंदर तक जो गीली मिट्टी है वो निकलती है या फिर कितने अंदर तक सूखी मिट्टी है या नीचे गीली मिट्टी है। चैलेंज पूरा हुआ। रात को मैं रो दिया था यार, रात को सही बता रहा हूँ गाइस, मैं रो दिया था लिटरली। बस मुँह तो नहीं बाकी रह गया था, बाकी सब हो गया था। गाइस देखो गाइस यार इस जगह की एक बात समझ में नहीं आती, ये देखो सारे यहाँ के जितने भी कीड़े हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए क्यों रहते हैं। ये देखो ये चिपका हुआ है, ये इसको लेके जा रहा है, और ये दूसरा वाला कीड़ा देखो गाइस ये मरे हुए कीड़े को लेके जा रहा है, पता नहीं इसको खाएगा या फिर पता नहीं क्या करेगा, मरे हुए को लेके जा रहा है देखो। और गाइस कौन कहता है कि रेगिस्तान में यहाँ पर मैं अकेला हूँ। भैया देखो यहाँ पे देखो एक बारी कितने सारे गाइस, एक नहीं कितने सारे छोटे छोटे बिल इस झाड़ी के आसपास में है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं गिनने बैठूँ तो शायद गिन भी नहीं पाऊंगा सभी बिलों को। आप देख सकते हैं कि कितने सारे बिल यहाँ पर है, ये पता नहीं किस जानवर के, इतने बड़े बड़े बिल मुझे नहीं पता कि किसके हैं लेकिन है। अब आप बताओ यार क्या मैं यहाँ पे अकेला हूँ? हाँ इंसान तो अकेला हूँ, बाकी जानवर। अब आप बताओ क्या रेगिस्तान में खतरा नहीं था? क्या मुझे डर लगना नहीं चाहिए था? ऑफकोर्स यार डेफिनेटली लगना चाहिए था। देखो पता नहीं किसके बिल हैं यार, मैं पास नहीं जाऊँगा, क्या पता घात लगा के कोई बैठा हो मेरे को यहीं पर चुम्मी दे दे और मैं यहीं पर चुम्मा हो जाए मेरा, यहीं पर मैं क्लियर हो जाऊँ। ये चीज़ इसे बोला जाता है तेतुम्बा, ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है, अगर इसे कोई खा लेना जय सियाराम। गाइस ये इतना कड़वा होता है कि मतलब इसे अगर है ना अपन अपनी एडी पे रगड़ेंगे ना तो अपनी जीभ कड़वी हो जाती है।
भाई हम जाके जी में जी आ। घर जाने की खुशी ये। बैकअप बैकअप। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।